बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टैक्स फाइलिंग में अब सिर्फ एक हफ्ते का टाइम बाकी रह गया। आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं दो ऐसे तरीके जिनके जरिए ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ेगा, ना आपको किसी के पीछे भागना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए, और ना ही आपका नाम लेट फाइलर्स में आएगा, बल्कि आप फाइलिंग भी आपकी इन टाइम हो जाएगी और आपको साथ ही एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। 15 दिन की एक्सटेंशन भी आप ले सकते हैं और 2 महीने की भी ले सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, आपको मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं जो हमारा वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट रह गया था इनकम स्टेटमेंट के साथ फाइल करने का, पहले हम वो शेयर कर लेते हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट को आपने किस तरह से फाइल करना है स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ ही मैं आपको वो भी दोनों तरीके बता देता हूँ कि आपने एक्सटेंशन अपने आप को खुद से कैसे दे सकते हैं 2 महीने तक की एक्सटेंशन। तो चलते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। तो हमने रजिस्ट्रेशन करके अपना NTN बनाना सीख लिया था पिछली वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 114 फाइल करने का तरीका सीख लिया था। अब लास्ट स्टेप इसका है वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना अंडर सेक्शन 116। ये भी अब पहले सेपरेट होती थी इनकम स्टेटमेंट से, लेकिन अब उन्होंने इसको लिंक कर दिया इनकम स्टेटमेंट के साथ ही। अब इसके बगैर आप इनकम स्टेटमेंट को फाइल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको भी समझना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आपके एसेट डिक्लेरेशन में कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अभी आप इमरान खान का तोशाखाना का जो केस था रिसेंटली, उसमें इमरान खान साहब को इसी वजह से सज़ा सुनाई गई थी कि उन्होंने घड़ी तो बेच दी और उससे पैसे भी ले लिए, पैसे शो कर दिए, लेकिन उसको क्लैरिफाई नहीं किया कि कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए उस टैक्स ईयर में और कितने पैसे उनके पास बैंक में पड़े रहे, या कोई भी उसकी क्लैरिफिकेशन उन्होंने अपने ये एसेट डिक्लेरेशन में नहीं दी हुई थी। इस वजह से उनको सज़ा सुनाई गई थी जो बाद में सस्पेंड हो गई थी। तो चलते हैं इसको फाइल करने का प्रॉपर तरीका आज मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको दो तरीके ऐसे बता दूंगा जिनके ज़रिए आप खुद से अपनी एक्सटेंशन कर सकते हैं 15 दिन के लिए भी और 2 माह के लिए भी, लेकिन उनको बड़ा एहतियात से और बड़ा अशद ज़रूरत की सूरत में आपने इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ उनको इस्तेमाल करने की कोई अगर ज़रूरत नहीं है तो शौकिया उसको आप खेल ना बनाएं, उसको इस्तेमाल ना करें। तो ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसके सबसे एंड में आपको वेल्थ स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आप जब टैप करेंगे तो आपको फर्दर आगे 3 इसकी ऑप्शन नज़र आ जाएंगी, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट लाइबिलिटीज़ और रिकनसाइलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा भी एक टैब आएगा लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेपरेटली ओपन कर लिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपने जाना है पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में। तो इसमें आपके पास पहली ऑप्शन आती है एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की, ये आपने प्लस मार्क पे चले जाना है। यहाँ पे आपने सबसे ऊपर की रो में इसका लिख देना है जो एड्रेस है आपकी, जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी का एड्रेस है आपके कागजात पे, रजिस्ट्री पे, जमाबंदी, इंतकाल वगैरह पे वो एड्रेस आ जाएगा। नंबर 2 पे आपने उसका कमर्शियल और रेजिडेंशियल लिखना है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल लिखेंगे आप, हाउस, फ्लैट, एरिया और सिटी ये भी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर उसका एड्रेस लिख देंगे। नीचे उसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, फ़र्ज़ करें 4 कनाल एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रहीम यार खान चक 82P, इस तरह से आप कुछ भी उसको मेंशन कर देंगे। ये आ गया, जब आप इसको करते हैं यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे क्योंकि फॉर रेफरेंस लिख रहे हैं तो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें ये कोई लैंड लिख ली, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमने इसको जब ओके कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू के लिए खाना आ जाएगा। तो वैल्यू इसकी हमने देनी है अब यहाँ पे, अगर तो ये इनहेरिटेड है आपको विरासत में मिली है तो आप इसकी वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो दे देंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। कल को जब आप इसको सेल करेंगे तो फिर आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। अगर आप इसकी वैल्यू 0 या इसकी मार्केट वैल्यू से कम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं इसकी वैल्यू 4 कनाल की, लेकिन असल उसकी वैल्यू है 10 लाख या 15 लाख, और कल को जब आप इसको सेल करेंगे
तो फिर ये क्या होगा कि आप इसको सेल तो असल एक्चुअल प्राइस पे करेंगे, फर्ज करें आप 15 लाख पे सेल कर देते हैं, वैल्यू आपने डिक्लेयर की हुई थी 1 लाख या जीरो इनहेरिटेड थी, तो वो उस सूरत में क्या होगा, आपको फिर 14 लाख के ऊपर गेन टैक्स देना पड़ेगा 3% के हिसाब से। तो उसको अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू लिखें। इसी तरह से इसमें दूसरे नंबर पे फिर आपकी आ जाती है कमर्शियल और रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, उसको भी आपने इसी तरह से सेकंड वाले प्लस पे जाना है और उसको आपने फिलअप कर देना है उसी तरह से। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा बिजनेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल जो आपने अपनी अगर बिजनेस रिटर्न फाइल की है तो रिटर्न में जो आपने बिजनेस कैपिटल अपना मेंशन किया था वो ही आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। एनिमल अगर आपके पास कैटल्स हैं, भैंसे हैं, काउज हैं, हैंज हैं, तो उनकी वैल्यू जो एस्टिमेटेड है वो आप यहाँ एनिमल नॉन बिजनेस में लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ सबसे ऊपर आपका IBAN बैंक का आ जाएगा, फिर अकाउंट या बॉन्ड सर्टिफिकेट बहबूद सर्टिफिकेट जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे, इसके अलावा करंट है सेविंग है वो मेंशन करेंगे और बैंक का नाम और उसका एड्रेस लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। इसी तरह से इसको आप ओके करेंगे तो ये भी आपका उसी तरह से जैसे प्रॉपर्टी का मैंने बताया है उसी तरह से ये भी आपका टैब आ जाएगा इसकी वैल्यू पुट करने के लिए। चले मैं यहाँ पे भी आपको एक ये करके दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे ये हम एक फर्जी अकाउंट नंबर दे देते हैं, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ हम मेंशन करेंगे अकाउंट, अगर सेविंग सर्टिफिकेट है तो सेविंग सर्टिफिकेट बहबूद सर्टिफिकेट या जो भी है, तो अकाउंट आ गया हमारा। सेकंड पे हम लिख देंगे सेविंग, थर्ड पे हम लिख देंगे HBL, फोर्थ पे हम लिख देंगे मॉडल टाउन ब्रांच और फिफ्थ पे हम लिख देंगे लाहौर, यानी जो आपका सिटी नेम है, ये हमने इसको कर दिया ऐड। उसके बाद ये इसमें वैल्यू के लिए स्पेस मिल गई आपको। अब यहाँ आपका जो 30 जून जिस साल की आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हम अगर 2024 की फाइल कर रहे हैं तो 30 जून 2024 को इस अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी हुई थी वो आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपने अमाउंट लिख दी इसमें। उसके बाद आप आ जाएंगे डेबिट, अगर कोई कर्ज़ा वगैरह आपने लिया हुआ है आपने कोई देना है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मोटर व्हीकल अगर आपके पास कोई कार बाइक्स वगैरह हैं तो वो इसी तरह से प्लस के निशान से आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, प्राइवेट लिखेंगे, मेक मॉडल इंजन कैपेसिटी ये सारी चीज़ें लिख के आगे उसकी इसी तरह से वैल्यू आप ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने प्रेशियस पोजेशन में लिखना है, इसमें आप ज्वेलरी लिख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास जेवरात हैं तो यहाँ आप ज्वेलरी लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे 10 तोला गोल्ड, और साथ अगर इनहेरिटेड है विरासती है तो उसको इनहेरिटेड भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू आप ज़ीरो कर सकते हैं, लेकिन इस पे भी फिर वही आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके घर में जो आपके चीज़ें हैं TV फ्रिज वगैरह उनकी आप एस्टिमेटेड मालियत दे सकते हैं। कैश नॉन बिजनेस आपके पास कितना पड़ा हुआ है वो आप ये भी यहाँ भी दे सकते हैं और आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं एनी अदर एसेट के कॉलम में। यहाँ पे आप एनी अदर एसेट में आएंगे, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि कैश इन बैंक एंड एंड हैंड, और फिर आप अगर ऊपर बैंक का नहीं लिखते, बैंक की डिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद नहीं है या कैश आपको अब नहीं अवेलेबल आपके पास कैश की सहूलत कि बैंक में आपका इस वक्त कितना कैश पड़ा है, तो इस तरह से आप इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं, ये 1,45 और बैंक वाले अमाउंट को जमा करके आप एक साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर किसी और के नाम पे, बच्चों के, बेगम के नाम पे आपने कोई एसेट्स रखे हुए हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, आउटसाइड पाकिस्तान, इनसाइड पाकिस्तान और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपको अपना टोटल नज़र आ रहा होगा एसेट्स का जितने भी आपके एसेट्स हैं। और इसके बाद आपने यहाँ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाना है, पर्सनल एक्सपेंस में आप अपना रेंट लिख सकते हैं, टैक्सेस लिख सकते हैं,
व्हीकल पे जो आपका खर्चा आ रहा है, ट्रैवलिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, डोनेशन वगैरह और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे 5 लाख 4 लाख लिख देते हैं एक्सपेंसेस अपने पूरे साल के, बाकी भी आपने कॉलम में फिल करने हैं मैं इधर आपको समझाने के लिए। और ये कैलकुलेट का बटन आपने हर बार लाजमी प्रेस करते रहना है। अब आ गए हैं रिकनसाइलेशन में, तो इसमें ये अगर आपके पास यहाँ पे कोई आ रहा है ना अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, हमारे पास तो आई नहीं है, इसको हम अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आ गई है, तो ये जो है आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, तो इसके लिए आपके पास अब दो ऑप्शंस होती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्सर लोग यहीं पे जाके फंसते हैं। तो इसमें आप या तो ये कर सकते हैं कि ये सारी अमाउंट को आप कैश इन हैंड में जाके पुट कर देंगे। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर तो आप इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके इसको आप यहाँ पेस्ट कर देंगे नेट एसेट प्रीवियस ईयर के खाने में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जीरो आ रही होगी वैल्यू, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो फिर आप इस अमाउंट को यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस में भी ऐड कर सकते हैं और अपने कैश इन हैंड में ऐड कर देंगे, तो ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये यहाँ पे इस तरह से ज़ीरो आ जाएगा अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में। तो उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, यहाँ से ऊपर से यहाँ से आपने सेव कर लिया, और इसके बाद आपने इसको वेरिफिकेशन करके और पिन लगाने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और आपकी ये फाइनल हो जाएगी। आप आते हैं जो दूसरी चीज़ें हैं कि आप एक्सटेंशन किस तरह से ले सकते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। नंबर वन, तो आप यहाँ जाएंगे डेक्लेरेशन में, डेक्लेरेशन में आप एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, और दूसरी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फॉर फाइलिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। तो अगर आपने एक ही रिवाइज करनी है तो उसके लिए आप एक्सटेंशन दे मांग सकते हैं, 15 दिन तक आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। और अगर दोनों आपने फाइल करनी है, डिलेड हैं, फ़र्ज़ करें आपको बैंक से स्टेटमेंट नहीं मिल रही या सैलरी स्टेटमेंट नहीं मिल रही या कोई भी इस तरह का जेन्युइन इशू आपके पास आ जाता है, तो उस सूरत में आप ये एप्लीकेशन फाइल कर देंगे और विद इन फ्यू आवर्स आपको परमिशन मिल जाएगी, 15 दिन तक आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप रिटर्न अपनी 0-0 करके फाइल कर दें, कोई चीज़ नहीं उसमें आपने मेंशन करनी, आपने जो डेडलाइन है अगर उस वक्त तक आपके पास डॉक्यूमेंट अरेंज नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट हैं आपके पास, कोई चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि सैलरी की जगह पे आपने 0 लिख देना है और एसेट्स में भी आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, बिल्कुल उसी तरह से 0 रिटर्न फाइल कर देनी है सैलरी में भी और अपने एसेट्स की स्टेटमेंट में भी। वो उस तरह से फिर आपको मौका मिल जाएगा, 2 माह के लिए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए फिर आप दोबारा यहीं पे आ जाएंगे डेक्लेरेशन में, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो अब ये आपने रिवाइज रिवाइज नहीं खेलते रहना, अगर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप फिर इसको दोबारा रिवीजन की, इसके बाद आप यहाँ जाएंगे और उसके बाद आप इसको रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 माह की एक्सटेंशन भी मिल सकती है अपने आप, और आपको इसके अलावा 15 दिन की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। दोनों तरीके लीगल हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ये दोनों अवेल कर सकते हैं। इस हवाले से और भी बहुत सारी नई अपडेट्स आ रही हैं, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।